रसलपुर थाने के सामने मोहम्मद रजा मोहम्मद नियाजुद्दीन कुरैसी एक गरीब परिवार है। कर्जा लेकर इस परिवार ने रसलपुर थाने के ठीक सामने गाड़ी पंचर की दुकान खोली थी। आज सुबह 7:30 बजे पंचर की दुकान पर आग लग गई और गरीब परिवार का रोजगार छिन गया। वहीं रसलपुर थाने के कुछ अधिकारियों की सहायता से टैंकर बुलाकर आग पर किसी तरह काबू पाया गया। शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष नूरुल हुदा लाला रायन गांधी ने जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट से उक्त परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। देखिए प्रजापा से जिला संवाददाता अमृत राजपूत की खास रिपोर्ट है स्केच न्यूज। ये आग किस दुकान में लगी है? देखिए ये एरिया रसूलपुर थाने के सामने है, रसूलपुर थाने के ठीक सामने है। यहाँ कार का पिंचर का काम होता था, गरीब परिवार है और टायर फायर सब बेचते थे। अचानक सुबह 7:30 बजे आग लग गई है और जो लोग सो रहे थे यहाँ पे सो के लेटरिन बाथरूम करने घर पे गए हैं पप्पू, और पप्पू घर से फोन आया कि आग लग गई है। जैसे लौट के आए तो पूरे महल्ले वालों ने सहयोग करा और पुलिस वालों ने यहाँ के रसूलपुर थाने के जो एसओ साहब उन्होंने टैंकर वालों को फोन किया, टैंकर आकर बुझाई और गरीब इंसान का बहुत नुकसान हो गया है। मैं जिला अधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस गरीब परिवार के पैसे पूर्ति करने के लिए इसकी सहायता दी जाए, जिससे गरीब आदमी अपने दुकान पर दूसरा आकर खोल सके।